गुजरात के साबरकांठा में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 तक पहुंची। गुजरात में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को कोरोना संक्रमित 398 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 8,195 हो गए हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 493 लोगों की मौत हो चुकी है। जयंती रवि के मुताबिक रविवार को सबसे ज्यादा 454 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। गुजरात में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 34 हो गया है। प्रसाद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। साबरकांठा जिले के अंदर तेजी से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बढ़ता जा रहा है। अब तक साबरकांठा जिले के अंदर 3 की मौत हो चुकी है और अब तक साबरकांठा जिले के अंदर 23 केस हो चुके हैं। बात करिए गुजरात के अंदर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर आरोग्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने जो बातें की है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। कल शाम के 5 बजे से लेके आज शाम के 5 बजे तक, यानी कि जो 24 घंटे हैं उसमें अगर देखा जाए तो गुजरात में बहुत ही बड़ी मात्रा में 454 जितने लोगों का डिस्चार्ज हुआ है। और इसकी अगर हम ज़रा कंपैरिजन करें तो हमारे ही यहाँ 1 मई के रोज़ 15.58% लोगों का हमारा अपना डिस्चार्ज रेट था। 15.58% लोग डिस्चार्ज होके जाते थे। 9 ही दिन हुए हैं और आज अगर यही अंक देखा जाए तो 32.64, यानी कि 32.64% लोग हैं कि जो डिस्चार्ज होके गए हैं। इसका मतलब है कि 9 दिन में जो डिस्चार्ज रेट है ये डबल हो गया है, यानी कि दुगुना हो गया है। और आज जो गुजरात का डिस्चार्ज रेट है 32.64%, ये अन्य अनेक राज्यों से ज़्यादा है। दिल्ली का 30.9% है, चंडीगढ़ 14%, महाराष्ट्र 19%, उड़ीसा 21%, तमिलनाडु 28%, वेस्ट बंगाल 21%, पंजाब 9%। तो इस तरह से गुजरात का जो डिस्चार्ज रेट है, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, इन सभी राज्यों से आज गुजरात राज्य का डिस्चार्ज रेट बढ़ गया है और हमारी डिस्चार्ज रेट 32% है। और आज का अगर जो जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इनका टोटल अभी तक के जो डिस्चार्ज, यानी कि सफलतापूर्वक जिन्होंने चिकित्सा ली, जिनकी इलाज हुई और बिल्कुल ठीक होके जो घर वापस चले गए, ये डिस्चार्ज का जो अंक है अभी तक अगर पूरा क्यूमुलेटिव लें तो 2545 जितने लोग हैं। और अभी तक के कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं 8,195 पॉजिटिव केसेस हैं। आज जो पेशेंट्स एक्टिव हैं उसमें से 5,126 लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, 31 लोग वेंटिलेटर पर हैं। और जो टेस्ट्स किए गए हैं उसके डेटा भी अगर हम देखेंगे तो अभी तक के जो कुल टेस्ट्स हैं, आज का अंक भी अगर इसमें गिना जाए तो 1,13,493 जितने टेस्ट हमारे कुल हुए हैं। आज 5 बजे शाम तक पिछले 24 घंटे में 398 पॉजिटिव केसेस COVID-19 के आए हैं। और जो आज के जो दुखद अवसान हुए हैं उसमें 8 ऐसे लोग हैं कि जिनका प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ COVID-19 ही था। और ऐसे 13 लोग हैं कि जिनका दुखद अवसान हुआ है, पहले से ही कोई गंभीर बीमारी थी लेकिन कोविड का भी संक्रमण होते हुए उनका दुखद अवसान हुआ है। तो इस तरह से आज की डेटा है। नमस्कार।